10 में से 9 लोगों को कभी स्लिप डिस्क या सियाटिका के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर केसेस में 2 से 8 हफ्तों में ही ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। स्लिप डिस्क में स्पाइन की एक डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है और नस को दबाने लगती है, जिसकी वजह से मरीज को पैर में दर्द जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दर्द के साथ साथ पैर में सुन्नपन, भारीपन, टिंगलिंग, इस तरह के भी सिम्टम्स रहते हैं। नॉर्मली आपका डॉक्टर आपको शुरू में 2 या 3 दिनों के लिए बेड रेस्ट की सलाह देता है। उसके साथ साथ आपकी दवाइयाँ चलती हैं जो लगभग 2 हफ्ते तक चलती हैं, जिसमें कि दर्द की दवाई या इन्फ्लेमेशन की दवाई या नसों का इरिटेशन कम करने की दवाई रहती है। नॉर्मली 7 से 10 दिन के बीच में आपका डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेस, जो कि स्पाइन की स्पेसिफिक स्लिप डिस्क की एक्सरसाइजेज होती हैं, उन पर भी शुरू करवा देते हैं। 90% केसेज में इन्हीं 3 चीज़ों से स्लिप डिस्क या सियाटिका का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किसी किसी केस में जब दवाइयों के बावजूद, एक्सरसाइज के बावजूद दर्द ठीक नहीं हो रहा होता, तब हमें नर्व रूट इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में करीब 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम सेलेक्टिवली उसी नर्व पे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि दर्द आ रहा होता है। काफ़ी लोग इसी से ठीक हो जाते हैं और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ केसेस में जिसमें कि दवाइयों के बावजूद, इंजेक्शन के बावजूद भी मरीज का दर्द बना हुआ है, या फिर उनके पैर में कमज़ोरी आने लग गई है, या फिर पैरालिसिस की तरफ जा रहे हैं, या मोशन यूरिन का कंट्रोल उनका ख़त्म हो रहा है, इन केसेस में हमको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी नॉर्मली हम माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक तरीके से करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो इसमें हमें मरीज़ को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, क्योंकि हमें उसे जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी करनी होती है। इसमें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिस्क का वो टुकड़ा जो नस को दबा रहा होता है उसको हटा देते हैं। अगर हम एंडोस्कोप की तरह से सर्जरी करते हैं तो एंडोस्कोपिक सर्जरी में सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाती है। ये करीब 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर होता है और 2 घंटे बाद हम मरीज़ को घर भी भेज देते हैं। स्पाइन सर्जरी स्लिप डिस्क में बहुत ही सेफ ऑल्टरनेटिव है, बट ये तभी करनी चाहिए जब ज़रूरी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, 90-95% पेशेंट्स सिर्फ एक्सरसाइजेस, मेडिसिंस और इंजेक्शन से ही ठीक हो जाते हैं, तो इसमें हम शुरू में कोशिश करते हैं कि इन्हीं 3-4 चीज़ों से हम पेशेंट को ठीक कर दें और सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।